चलिए भैया नमस्कार गुड आफ्टरनून स्वागत है आप सभी का सत्याधिशन परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ठीक है हाँ भैया चार बज गई है तो गुड इवनिंग ठीक है चलो सभी का स्वागत है शिवराज दीपक रेखा और दिनेश दीपक दावर चलो फटाफट से ज्वाइन हो जाओ दो सेकंड वेट करते हैं ठीक है उसके बाद अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो भैया पूर्वा सुनीता रेखा पावर ऑफ लर्निंग संदीप ठीक है देखिए सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है मतलब कि जो मैं पढ़ाने वाली हूं आपको मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ मैं वो आपको बताती हूँ ठीक है कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे ठीक है देखो एक बार ठीक है चलो अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना क्या है तो आप देखो यहाँ पर क्या पढ़ना है सबसे पहला आपको दिख रहा होगा सबसे पहला क्या है टॉपिक यहाँ पर पोषण ठीक है न्यूट्रिशन तो हमें पढ़ना है पोषण के बारे में और पोषण में हम क्या क्या पढ़ेंगे पोषण में हम हम पढ़ेंगे संतुलित आहार ठीक है मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिय ठीक है मतलब मैक्रो का मतलब जो ज्यादा मात्रा में खाते हैं माइक्रो का मतलब जो कम मात्रा में लेते हैं ठीक है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा वो सब पढ़नी हमें ठीक है उसके बाद क्या है आपका कैलोरी और प्रोटीन देखो वही दे रखा कैल्शियम है ना ये सब हमें पढ़ना है ठीक है उसके बाद देखो क्या पढ़ना है उसके बाद हमें पढ़ना है बीमारियां है ना बीमारी और उनकी रोकथाम मतलब कि इनकी कमी से पोषण की कमी से जो जो बीमारी आपको होती हैं उन सब के बारे में पढ़ना है और उन बीमारी को कैसे हैंडल किया जाए यह हमें पढ़ना है यह हमारा सिलेबस रहेगा हाँ बिल्कुल भारती पढ़ सकते हैं ठीक है ना देखो यहाँ पर टॉपिक भी देख लो आप पोषण न्यूट्रिशन ही पढ़ा रहे सेम साइंस चेंज थोड़ी हो जाएगी और अच्छा ही लेवल रहेगा इसमें तो ठीक है फिर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व मतलब कि किशोरा अवस्था गर्भावस्था, जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है जब की बात हो रही है माताएं नवजात नवजात मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं छोटे शिशु ठीक है उनके अंदर पोषण का क्या महत्व है पोषण की कमी से उनमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं ठीक है ये सब हमें देखना है ठीक है ठीक है हाँ बैकग्राउंड शिवानी अब व्हाइट चलता है चलो उसके बाद देखो गर्भवती की देखभाल देख मतलब जो गर्भवती है उसमें क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए उसके वजन तोलने में ना वजन वगैरह की निगरानी ठीक है मात्र शिशु रक्षा गर्भावस्था में खतरों से बचाव गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच ठीक है मतलब कि डिलीवरी से पहले जो जांच होती हैं वो हमें पढ़ना है इसके अंदर मतलब कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी से पढ़ता है ना तो बहुत कुछ नॉलेज गेन कर सकता है ये तो डेली लाइफ की चीजें हैं है, है ना ये तो नॉर्मल हम देखते हैं हमारे आसपास सब चीजें होती हैं पर हम इन्हें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक कि एक स्टेप के साथ तो हमें ज्यादा समझ में आएगा है ना ठीक है फीस कम देखिए रेखा जो पहले के 500 सौ स्टूडेंट थे उनके लिए सर ने फीस कम रखी थी है ना उन पे 500 आ, 500 सौ डिस्काउंट था तो उन लोगों ने एडमिशन ले लिया है मतलब कि वो वाला जो आपका ऑफर था वो कंप्लीट हो चुका है तो आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप जो नंबर दिए गए हैं उस पर कॉल कर लीजिए तो यह हो सकता है कि फीस कम हो जाए ठीक है यदि आपको फीस से संबंधित कम ज़्यादा में बात करनी है तो आपके फीस कम होने के लिए आप एक बार कॉल कर लीजिएगा आपको नंबर दिएगा उस पर कॉल करके पूछ लो ठीक है बिल्कुल कृष्णा जी वर्ग दो वाले भी पढ़ सकते हैं चलो उसके बाद देखो और क्या है भैया इसके अंदर तो इसमें योजनाएं हमें पढ़नी है कुपोषण के बारे में पढ़ना है ठीक है कुपोषण मतलब कि भैया पोषण की कमी सूखे भूखे बच्चे होते हैं बिल्कुल पतले पतले से हाथ होते हैं उनके फुला सा पेट होता है उनका है ना ऐसे घूमते रहते हैं बिल्कुल से चड्डी पहन के तो वो बच्चों के बारे में हमको पढ़ना है कि कुपोषण जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के बाद कैसे हो जाता है वो हमें पढ़ना है ठीक है उसके बाद देखो ये सामान्य बीमारियों की जानकारी उल्टी दस्त आंखों नाल के संक्रमण खसरा गलघोटू काली खांसी टीबी कुल मिला के आधा बायो है ये मतलब पूरा ही बायो है पर मैं जो पढ़ाऊंगी वो ये है इतना क्लियर है है ना चलो तो शुरू करते हैं फिर हाँ चलो भैया स्टार्ट करते हैं ठीक है तो अब शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे. पहले क्या पढ़ेंगे पढ़ेंगे टॉपिक टॉपिक वाइज ही पहला है पोषण और पोषण में क्या है माइक्रो और आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट ठीक है तो अब सबसे पहले हम पोषण चैप्टर उठाते हैं और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं ठीक है चलो भैया कॉपी पेन निकाल लो नोट्स बनाना शुरू कर दो जिसको बनाने हैं और अब हम पढ़ते हैं पोषण के बारे में सुनो पोषण न्यूट्रिशन पोषण ठीक है पोषण क्या होता है ठीक है पोषण देखो एक बात समझो हम छोटे बच्चे थे फिर हम धीरे धीरे बड़े हुए हम ऐसे कैसे बड़े हो गए हम बोलेंगे कि हम बड़े क्यों है पता है क्योंकि हम खाना खाते हैं हम जिंदा भी इसलिए क्योंकि हम खाना खाते हैं ठीक है तो आप कहोगे कि पोषण असल में है क्या पोषण सिर्फ ये है कि हमें वो चीजें खाना है जो क्या करें जो हमें जिंदा भी रखें हमारी शरीर की वृद्धि भी करें और हमें बीमारियों से बचा लें इसलिए तो खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं ठीक है ना इसीलिए खाना खाते हैं तो ठीक है अरे मिल जाएगा डिस्काउंट फोन लगा के पूछ लो एक बार मैं खुद बोल रही हूँ मिल जाएगा डिस्काउंट ठीक है बोल देना मैम ने बताया था हमें मैम ने बोला था थी? इतना क्लियर है बोलना मैम ने बोला था जो ऑफर है वो समाप्त हो गया पर फिर भी आप फोन लगा पूछ लो बोलना मैम ने बोला था ठीक है डिस्काउंट के लिए बात कर लो ठीक है चलो आप आगे पढ़ते हैं आप कहोगे पोषण क्या है न्यूट्रिशन क्या है तो आप बोलोगे भैया हमारे शरीर की वृद्धि के लिए है ना हम छोटे से बड़े हो जाए फिट रहे बीमार ना पड़े हमें कमजोरी ना हो बस वही क्या है उसके लिए हम क्या लेते हैं पोषण लेते हैं बस इतनी सी बात ठीक है ना ठीक है चलो तो अब लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन सीधी सी बात है हम लिखेंगे कि शरीर, शरीर की वृद्धि के लिए शरीर की वृद्धि के लिए शरीर की वृद्धि के, के लिए क्या करते हैं शरीर की वृद्धि के लिए बाहरी बाहरी भोज्य पदार्थों से भोज्य पदार्थों से बाहरी भोज्य पदार्थ ठीक है मतलब कि जो बाहर से हम फूड वगैरह लेते हैं खाना पीना बाहरी भोज्य पदार्थों से भाज्य बाहरी भो, भोज्य पदार्थों से पोषण को ग्रहण करते हैं पोषण को ग्रहण करते हैं मतलब पोषण को क्या करते हैं ग्रहण करते हैं पोषण लेते हैं सीधी सी बात ठीक है अब आप कैसे लिखोगे पोषण क्या है तो भैया हमारी ग्रोथ के लिए बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या करते हैं बाहरी खाना पीना जो खाते हैं उससे पोषण लेते हैं बात खत्म क्लियर आगे बढ़े ठीक है ना चलो भैया उसके बाद देखो अब यदि मैं बात करूं पोषण की तो भैया हम करते क्या है पोषण लेते कैसे हैं तो आप बोलोगे पोषण कैसे लेते हैं पोषक तत्वों से पोषक तत्वों से पोषक तत्वों से पोषण कैसे प्राप्त होता है पोषक तत्वों से प्राप्त होता है अच्छा तो आप बोलोगे ये तो बात हमें समझ में आई कि शरीर की वृद्धि करनी है तो क्या लेना पड़ेगा पोषण लेना पड़ेगा और पोषण के लिए हमें क्या चाहिए पोषक तत्व पर यह तो बताओ कि पोषक तत्व कौन से लें होते क्या है है ना पोषक तत्व क्या है ये बताओ ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं अगर पेपर टफ आया तो हम टफ पढ़ लेंगे थोड़ा सा ठीक है चलो हाँ अब देखो अब पढ़ते हैं आगे अब आपका दिमाग घुमा और आपने बोला आप तो ये बताओ ये ये चीज क्या है तो मैंने कहा सुनो ये क्या होते हैं पोषक तत्व पोषक तत्व न्यूट्रिएंट न्यूट्रिएंट बोलते हैं जिन्हें पोषक तत्व क्या होते हैं तो हम कहेंगे पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं दो आधार पे होते हैं पहला कौन सा है पहला हो जाएगा भैया एक हमने क्या पढ़ा मैक्रो एक हमने पढ़ा मैक्रो और क्या हो जाएगा माइक्रो माइक्रो ठीक है मैक्रो और माइक्रो मैक्रो और माइक्रो मतलब कि सूक्ष्म पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व ठीक है और क्या हो जाएगा और कहोगे आप बृहत 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 पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व वृहद पोषक तत्व ठीक है अरे मेरी टी शर्ट पे क्या बना है उसको छोड़ दो उसको भी कुपोषण हो चुका उसका मुंह तेड़ा हो गया है ना उसको भी रोग हो चुके हैं तो ये ऐसा मुंह हो जाएगा ऐसा अगर अपनों ने पोषण नहीं लिया तो ये पढ़ो कि पोषण क्या है फिर ठीक है समझ जाओ ये देखो ये दिख रहा है ना इसकी बड़ी बड़ी आंखें ये हसरा दांत दिखा के ऐसे हो जाओगे कुपोषित है ना आज पोषण ठीक है तो आज पोषण हम इसलिए पढ़ने ताकि हम समझ पाए कि हो जाओगे तुम ठीक है डरो इस चीज से चलो ठीक है अब देखो अब बात करते हैं भैया सूक्ष्म पोषक तत्व जो हम क्या लेते हैं कम मात्रा में लेते है हैं अब कम मात्रा में लेते हैं और एक होते हैं वृहत जो हम क्या लेते हैं ज्यादा मात्रा में लेते हैं क्या लेते हैं ज्यादा मात्रा में ज्यादा मात्रा में ज्यादा मात्रा में खाए जाने वाले खाए जाने वाले ठीक है ज्यादा मात्रा में खाए जाने वाले चीजों को हम क्या बोलते हैं जो ज्यादा मात्रा में लेंगे उन्हें हम बोलते हैं वृहत ठीक है बोलते हैं ठीक है और यदि हम देखें यहाँ पर मैक्रो में तो ये क्या होते हैं जो आप क्या लेते हो कम कम मात्रा में कम मात्रा में कम मात्रा में लिए जाने वाले कम मात्रा में लिए जाने वाले कम मात्रा में लिए जाने वाले ठीक है ऐसे भी पोषक पदार्थ है ऐसे भी न्यूट्रिएंट हैं जो आप क्या करते हो जो आप क्वांटिटी जिनकी कम रहती है जरूरत ही नहीं है इतनी और कुछ ऐसे हैं जिनकी क्वांटिटी क्या है जिनकी क्वांटिटी ज्यादा लेनी पड़ेगी हमको ठीक है ना जिनकी क्वांटिटी क्या लेनी पड़ेगी ज्यादा लेनी पड़ेगी ठीक है अब देखो आगे आप कहोगे कि यहाँ पर कम मात्रा में लिए जाने वाले पोषक तत्व कौन से हैं तो आप मुझे बताओ कभी ऐसा हुआ क्या बताओ किसके घर में या कौनसी ऐसी मंडी है यहाँ इंदौर में भी चौथ मंडी है बताओ क्या चोथ मंडी में कभी गए कभी हाट में जाके ऐसा बोला कि भैया मुझे चार किलो विटामिन दे दो ऐसा बोला क्या दो किलो कैल्शियम दे दो ऐसा बोला क्या बोला ही नहीं बोला क्या ठीक है तो आप कहोगे कि हमने कभी जाके खरीदे नहीं ऐसे कभी कोई बंदा मुझे यहां यह बोल दे कि आज मैंने दो किलो विटामिन खाया मेरे घर तो बने है। होता है क्या होंगे तो आपको मिल गया होगा। तो आप बोलोगे कम मात्रा में क्या खाते हो विटामिन खाते हो क्या खाते हो विटामिन खाते हो तो विटामिन किस में आते हैं विटामिन आते हैं सूक्ष्म में आते हैं जो हम कम मात्रा में लेते हैं न्यूट्रिएंट है ठीक है दूसरा देखो दूसरा क्या आ जाएगा आपका आपको कहोगे खनिज है ना खनिज खनिज मिनरल्स ठीक है खनिज तो विटामिन और खनिज आप कम मात्रा में लेते हो मतलब हम ये नहीं बोलते कि दो किलो तीन किलो मिलीग्राम में बात चलती है इनकी मिलीग्राम में है ना मिलीग्राम में बात चलती है ठीक है शिवानी कैसे प्रिंट निकला है तो उस चीज को हम व्हाइट बैकग्राउंड पे लिख देंगे तो आप प्रिंट निकला सकते हो है ना जो आपको पढ़ाया जाएगा वो व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ाया जाएगा तो आप उसकी प्रिंट इजीली निकला सकते हो ब्लैक बैकग्राउंड के कारण प्रिंट नहीं निकल रही होगी क्लियर ठीक है ना हाँ चलो अब देखो आगे अब ज्यादा मात्रा में कैसे खाओगे सुनो यहां पर कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है चार रोटी खाता है खाता है ना चार रोटी खाता है किसी की डाइट होती है सात आठ रोटी खा लेता है किसी की डाइट है भैया अभी जैसे जो लड़के होते होंगे मेनली लड़कों की डाइट अच्छी होती है गर्ल्स की भी होती है ठीक है गर्ल्स भी खाती है 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 छह से से सात रोटी खा लेती है, से खा लेती लेती आराम ठीक तो कहने का मतलब यह है कि ज्यादा मात्रा में क्या खाते हो सुबह अभी रोटी खाई होगी शाम को भी रोटी खाओगे तो आपने रोटी के आ, के बदले क्या खाया मतलब कि साइंस के लैंग्वेज में क्या खाया आपने वो कार्बोहाइड्रेट खाया आपने तो यहाँ क्या लिखोगे आप ज्यादा मात्रा में जो खाए जाते हैं वो कौन से होंगे कार्बोहाइड्रेट वो क्या होंगे आपके कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे कार्बोहाइड्रेट भैया रोटी खाते हो चावल खाते हो आलू खाते हो ये सब क्या है कार्बोहाइड्रेट है उसके अलावा ज्यादा मात्रा में क्या खाया जाता है तो हम कहेंगे हम खाते हैं प्रोटीन मांस मच्छी दूध दालें प्रोटीन भी कैसे हैं ज्यादा मात्रा में लिए जाने वाले ठीक है तो आप कहोगे क्या हो जाएगा प्रोटीन दूसरे नंबर पे क्या है प्रोटीन और तीसरे नंबर पे क्या आएगा वसा घी वगैरह जो हम खाते हैं और क्या होगा जल पानी भी तो पीते हो एक दिन में कितना पानी आठ ग्लास पानी पीना चाहिए इंसान को आठ ग्लास पानी ठीक है आठ ग्लास पानी पीना चाहिए आपको ठीक है हाँ बहुत बढ़िया वो बोले मैं दस रोटी खाता हूँ वो बोले मैं सात रोटी खाता हूँ बहुत बढ़िया रोटी खाते हो ना ठीक है कि रोटी इतनी बड़ी बड़ी होगी फिर ठीक है हाँ ठीक है चलो अभी तो आगे और बात करेंगे हम अब ये क्या है ये सब जो चीजें हैं आपकी इनसे हमें क्या मिलता है इनसे हमें मिलती है एनर्जी पर सबसे नहीं मिलती सबसे नहीं मिलती ठीक है तो ध्यान रखना जिन या जिस जिस तत्व, जिस पोषक पोषक तत्व, तत्व का, जिस पोषक तत्व का पाचन होता है जिस पोषक तत्व का पाचन होता है डाइजेशन होता है उससे ही क्या मिलती है ऊर्जा मिलती है ऊर्जा है ना उससे क्या बनती है उससे ऊर्जा मिलती है उससे क्या मिलती है ऊर्जा मिलती है जिस भी पोषक तत्व का इनमें से जो भी आप खाओ और उनका यदि पाचन होगा तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी अब आप खुद दिमाग लगाओ यहाँ पर ठीक है कि किससे ऊर्जा मिलती है देखो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है इसका पाचन होता है प्रोटीन से मिलती है इसका पाचन होता है वसा से मिलती है इसका भी पाचन होता है तो आप कहोगे कि ऊर्जा किससे नहीं मिलती ऊर्जा विटामिन खनिज और पानी से नहीं मिलती पानी में कितनी होती है जीरो परसेंट जीरो कैलोरी होती है है ना ठीक है तो ध्यान रखना कि ऊर्जा किससे मिलती है ऊर्जा मिलती है आपको कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट से मिलती है प्रोटीन से मिलती है किससे मिलती है प्रोटीन से मिलती है और किससे मिलती है वसा से मिलती है किससे मिलती है वसा से तो ऊर्जा आपको इन तीन चीजों से मिलकर मिलेगी ठीक है ना नहीं कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती है ये आप जो लिख रहे हो नौ दशमलव दो ये आपकी वसा की एनर्जी है ठीक है ना ब्लड कम किसकी वजह से होता है देखो ब्लड कम 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 आप कम खाओगे कम खाने का मतलब है या तो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा और विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से, कम से, से खतरनाक वाला कम हो जाता है, है ना इसीलिए जो लेडीजे होती है जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं या आंगनबाड़ी की जो कन्याएं है उनको मिली होंगी देखना गोलियां मिलती फॉलिक एसिड की ब्राउन कलर में वो आपको इसीलिए देते हैं बी नाइन होता है उसमें है ना नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा श्रद्धा चलो ठीक है अब बढ़ते हैं आगे ठीक है उसके बाद देखो ये तो हमने किसके आधार पे देखे ज्यादा मात्रा के आधार पे और कम मात्रा के आधार पे देखे ठीक है अब देखो आगे की बात अरे वर्ग दो की अपनी लगेगी दो डेमो खत्म हो जाने दो वापस वर्क के लगेगी अपनी है ना इसी पे चलो उसके बाद देखो और क्या है अपना तो हम कहेंगे कार्बन कार्बन की कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कार्बन की उपस्थिति के आधार पर अब कार्बन जि, जिस जिसमें होगा भैया देखो कार्बन क्या है कार्बन है ना हमारा शरीर भी कार्बन से मिलके बना है और आपको पता है कि इस दुनिया में दो प्रकार के एलि, एलिमेंट होते हैं तत्व होते हैं किसमें एक पे कार्बन होता है और एक जिन में कार्बन नहीं होता तो ऐसा भी तो है कि भैया हमारे इनके अंदर जरूरी थोड़ी इन सब में कार्बन हो है ना कुछ में कार्बन होगा कुछ में नहीं होगा तो आप समझ नहीं आता किस में होगा किस में नहीं होगा देखो किस में होगा सुनना है ना कार्बन की उपस्थिति के आधार पर दो प्रकार के आप देखोगे जैसे मैंने क्या कहा मैंने कहा कार्बनिक कार्बनिक पोषक तत्व ठीक है इसको क्या बोलोगे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ते ना हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें कार्बन होता है ठीक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ठीक है उसके बाद देखो यहां पर यहां क्या है अकार्बनिक अकार्बनिक ठीक है ना अकार्बनिक देखो अकार्बनिक मतलब क्या हो जाएगा इनऑर्गेनिक ठीक <-����Le> है क्या हो जाएगा इनऑर्गेनिक अब किसमें कार्बन है और किसमें नहीं तो यह समझना आप किसमें कार्बन है पहला कार्बोहाइड्रेट में है किसमें है कार्बोहाइड्रेट में है कार्बोहाइड्रेट में है किसमें कार्बो है, किस है? कार्बोहाइड्रेट में आपका कार्बन है ठीक है उसके बाद देखो दूसरा प्रोटीन में कार्बन होता है किसमें होता है प्रोटीन में कार्बन होता है और किसमें होता है वसा में कार्बन होता है और किसमें होता है विटामिन में कार्बन होता है इन सब में कार्बन प्रेजेंट है इनकी संरचना में कार्बन है ठीक है हाँ चलो भैया आगे देखो अकार्बनिक में क्या आएगा अकार्बनिक के अंदर आप किसको रखोगे तो आप कहोगे जल देखो जल जल का फॉर्मूला क्या होता है एच टू ओ क्या आपको इसमें कहीं कार्बन नजर आ रहा है हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है तो इसमें तो नहीं है दूसरा क्या हो जाएगा हमारा खनिज है ना खनिज खनिज में कार्बन देखो खनिज जैसे कि जिंक हो गया क्लोरीन हो गया फ्लोरीन हुआ आपका कैल्शियम हो गया आयरन हो गया बताओ इसमें कहा कार्बन नजर आ रहा है हे क्या ठीक है बताओ हाँ ठीक है तो देखो जो कार्बन होते हैं ना कार्बन कार्बन जिनके अंदर होता है वो ये है और जिनमें नहीं है वो ये है ठीक है ना चलो आप जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं ठीक है चलो क्लियर तो हमने अभी तक क्या पढ़ा हमने सीधी सी बात ये पढ़ी कितनी स्लाइड हुई है मात्र तीन स्लाइड हुई है भैया पोषण न्यूट्रिशन, क्या है पोषण सबके लिए जरूरी है है ना हमें यदि छोटे से बड़ा किया है किसी ने तो वो पोषण से ही किया है एक बात बताओ आप किसी व्यक्ति को देखते हो दुबला पतला तो आप क्या बोलते हो ए, खाया कर रहे कहीं खाए कि नहीं खाए कहीं खाए कि नहीं खाए तू हवा चले तो रे देख के रखना तो उड़ जाएगा ऐसा बोलते हैं किसको बोलते हैं दुबले पतले व्यक्ति को तो ऐसा क्यों बोलते हैं कि कुछ खाया कर क्योंकि भैया खाने से ही तो पोषण मिलेगा और पोषण से क्या बनती है हेल्थ बनती है ठीक है ना हेल्थ बनती है उसके बाद देखो दूसरी बात कोई मोटा व्यक्ति दिख गया मोटा व्यक्ति मेरे जैसा तो मेरे को बोलेंगे दौड़ने जाया कर थोड़ा कम खाया कर उठ जा भैया कितना खाएगी तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि जितना खाएंगे उतना फैलेंगे फैलने का रीजन क्या है खाना है ना खाओ और सो फैलो ठीक है तो आप कहोगे कि आप इस आधार पर किसी को भी बोल देते हो भैया कम खा कम खा कितना खाएगी और किसी दुबले पत्ते को बोलते हैं खाया कर रहे भाई तू खाया कर ऐसा बोलते हैं है, है नहीं तो वो क्यों बोलते हैं क्योंकि पोषण के कारण इनडायरेक्टली बोल देते हैं उस व्यक्ति को चलो भैया पोषक तत्व हमने कहा पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं एक तो ज्यादा मात्रा में खाते हैं ज्यादा मात्रा में क्या खाते हो रोटी खाते हो रोटी खाते हो रोटी में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है ठीक है और आपका प्रोटीन खाते हो दाल वाल प्रोटीन भी खाते हम दाल खाते बड़े हैं बड़े चावल में डाल के उसके अलावा क्या खाते हैं घी खाते वसा दूध दूध वगैरह में क्या होता है वसा ही तो होती है तो वो भी खाते अपन तो ठीक है चलो तो ये चीजें क्या है ये आप बोलोगे कि ज्यादा मात्रा में है ना आपके जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा है और जल भी तो पीते हैं आठ ग्लास पीते हैं आठ ग्लास नहीं पियोगे तो क्या हो जाएगा डिहाइड्रेशन चक्कर आएंगे बीपी लो होगा ठीक है और बोतल चढ़ाने जाओगे तो नशे नहीं मिलेंगी ठीक है तो ये प्रॉब्लम होगी उसके बाद देखो कम मात्रा में खाओगे तो क्या होगा कम मात्रा में किसे खाते हो विटामिन और खनिज को कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि दो किलो कैल्शियम खा लिया पांच किलो लोहा खा लिया आज तो मेरे घर लोहा बना है आज मेरे घर स्टील बना है आज मेरे घर इस्पात बना है ऐसा थोड़ी होता ऐसा होता है क्या ठीक है चलो तो यदि हम बात करें कम की तो ये ज्यादा की तो ये फिर उसके बाद हमने देखा कि हमें ये खाते क्यों हैं हम हमें ऊर्जा मिलती है ना ऊर्जा पर भैया सबसे ऊर्जा नहीं मिलती जिनका पाचन होता है उनसे ही ऊर्जा मिलती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को खाते हो रोटी से ऊर्जा मिलती है प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है वसा से ऊर्जा मिलती है आप बोलोगे तो जल भी तो पीते हम एक बात बताओ पानी पी के चार दिन जिंदा रह लोगे मैं आपसे कहू खाना वाना कुछ मत खाओ सिर्फ पानी पियो अगर पानी से ऊर्जा मिलती तो खाने की जरूरत ही क्या थी सारे काम तो इस पेट के ही है पेट के चक्कर में सब चीजें होती है ना भूख के चक्कर में अगर पानी से ऊर्जा मिलती तो फिर टेंशन ही नहीं था कोई कमाता ही नहीं बढ़िया से बैठ के पानी पीते खत्म टेंशन रोटी रोटी वोटी की टेंशन खत्म तो आप कहोगे कि जल से ऊर्जा नहीं मिलती जीरो कैलोरी इसमें तो पीते क्यों हैं भैया ये जल हमारे शरीर में एंजाइम बनाएगा खाओगे तो पचाओगे कैसे आपकी बॉडी को सूखने से बचाएगा है ना हमारी बॉडी के अंदर सब चीजें रखेगा ठीक है चलो मेरी आ, मेरी आवाज बैठ गई है ठीक है उसके खून की कमी पूरी करते हैं है? आपके बॉडी के अंदर हारमोन सुन हार्मोन, हार्मोन इंसुलिन हार्मोन वो खनिज है ना खनिज वो जिंक से बनता है जो जिंक है वो ही इंसुलिन बनाता है कैल्शियम हड्डियां बनाता है ये मतलब है इनका आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर भी खनिज का योगदान है इसलिए खाते हैं। इनको देखने को नहीं रखा टेस्ट के चक्कर में टेस्ट नहीं करते इनको ये भी काम के हैं ठीक है ना हाँ बायोलॉजिकल रिएक्शन कर लेते हैं ठीक है चलो अब देखते हैं आगे फिर हमने देखा कि ऐसे भी पोषक तत्व हैं जिनमें क्या है कार्बन है और जिनमें नहीं है आपने कहा वाह भाई ये तो बड़ी बात हो गई बताओ कौन से मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है है ना प्रोटीन में कार्बन है वसा में कार्बन है विटामिन में कार्बन है ये सब कैसे हैं ये सब कार्बनिक यौगिक हैं और जिनमें कार्बन नहीं है वो क्या है ठीक है ना वो ये रहे क्या जिंक क्लोरीन फ्लोरीन कैल्शियम और आयरन है ना ठीक है चलो अब चलते हैं आगे सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कार्बो हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे ठीक है कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे क्या बोलोगे इसे कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कितने प्रकार के होते हैं भैया है शुगर पेंटो शुगर राइबो शुगर क्या क्या चीजें पढ़ते हम पढ़ते कि नहीं पढ़ते पर ये चीजें क्या है ये चीज समझ नहीं आई हमें ठीक है चलो भैया अब देखो आगे कार्बोहाइड्रेट आप बोलोगे मैडम हम साइंस से नहीं है हमें सीधी भाषा में बताओ कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या हमको समझ नहीं आता कार्बोहाइड्रेट हम बचपन से पढ़ रहे हैं आदो को आ गया आदो को नहीं आया है क्या असल में चीज क्या है हम कहेंगे मैं आपको इसका हिंदी मीनिंग बताऊं कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं शक्कर शर्करा क्या बोलेंगे शर्करा इसका असली नाम क्या है शुगर शुगर ठीक है जो चीज मीठी है शुगर तो शुगर को क्या बोलोगे साइंटिफिक लैंग्वेज में कार्बोहाइड्रेट अब आप बोलोगे थोड़ा और डिस्क्राइब कर दो ना इस चीज को कि कार्बोहाइड्रेट है पर है क्या आज तक यह हम समझ नहीं पाए देखो कार्बो हाइड्रेट कार्बो हाइड्रेट इसके नाम को तोड़ो इसके नाम को तोड़ो कार्बो कार्बो मतलब होता है कार्बन क्या होता है कार्बन और हाइड्रेट किसे बोलते हो पानी किसे बोलते हो पानी तो क्या बन गया कार्बन और पानी कार्बन और पानी को मिलाकर क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट बनता है कार्बोहाइड्रेट ठीक है कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बनता है कार्बन से बनता है और पानी से मिलकर बनता है सीधी सी बात है ठीक है ना क्या है सीधी सी बात है है <laughs> चलो आप लोग एक दूसरे के लिया करो ठीक देखो बहुत बढ़िया अच्छा भारती का बर्थडे है आज हैप्पी बर्थडे भारती ठीक है अगर सच में बर्थडे है तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाए आपकी ठीक है बढ़िया से ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो और सिलेक्शन लेते रहो ठीक है चलो भैया अब देखते हो, कार्बन और पानी से मिलकर क्या बनता है कार्बोहाइड्रेट आप बोलोगे सिद्ध सिद्ध करो सित्थ करो कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन और पानी से मिलकर बना है ऐसा कैसे समझे हम ठीक है ना तो आप कहोगे देखो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल लेते हैं कार्बो हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का एक सीधा सा एग्जाम्पल लेते हैं क्या हो जाएगा यहां पर ग्लूकोस क्या हो जाएगा ग्लूकोज क्या हो जाएगा ग्लूकोज और सभी को पता है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है तो आप कहोगे सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ठीक है ठीक है चलो देखो अब जरा ये एक चीज नोटिस करो कार्बन कितने हैं यहाँ पर आप बोलोगे छ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर आप बोलोगे बारह और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर आप बोलोगे वो भी छ है तो जरा इसका रेशो निकाल लो छम छूनी बारह छम छ अच्छा मतलब कि कार्बन कितने रेशो में है एक में है हाइड्रोजन कितना है भैया दो है ऑक्सीजन कितना है एक है अरे ये तो एस टू बन गया तो आप कहोगे कार्बन और पानी ये ये क्या है? ये तो कार्बोहाइड्रेट है चलो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं आपने सुना होगा राइबोस जो किस में पाई जाती है राइबोस किस में पाई जाती है डीएनए में पाई जाती है डीऑक्सी राइबोस सुना होगा आपने है ना जो आरएनए में पाई जाती है इसका फॉर्मूला क्या है सी फाइव एच टेन ओ फाइव इसका रेशो निकाल के देखो पांच एकम पांच पांच दस पांच एकम पांच तो एक अनुपात दो अनुपात एक मतलब कि क्या हो गया यहाँ पर भी C मतलब एक है एच टू ओ अरे यहाँ भी पानी बन गया मतलब कि किसी का भी रेशो निकालो आपको उस रेशो में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट मिलेगा कार्बोहाइड्रेट मिलेगा है ना एक अनुपात दो अनुपात एक के अनुपात में मिलेगा, चलो उसके बाद देखो आगे अब यदि आप ये कहो कि क्या सिर्फ कार्बन और पानी को हम मिला दे तो वो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है देखो कहने का मतलब यह है ये निश्चित अनुपात यही होना चाहिए रेशो यही होना चाहिए इस रेशो में मिलाओगे तभी जाकर क्या बनेगा तभी जाकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनेगा क्या बनेगा कार्बोहाइड्रेट बनेगा ठीक है ना तो आप कहोगे कि भैया यहाँ देखो जैसे मैंने कहा H2O हाइड्रोजन है कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर दो और ऑक्सीजन कितना है एक दो अनुपात एक रहेगा तो ये क्या बनेगा पानी ये क्या बनेगा पानी तो हमेशा इसी अनुपात में आप इन चीजों को मिलाओगे तभी तो पानी बनेगा लेकिन भैया किसी का दिमाग चला उसने बोला अच्छा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा तो आप कहोगे इन दोनों को मिला दो तो पानी बन जाएगा तो उसने क्या करा दो हाइड्रोजन ले लिए और दो क्या ले लिए ऑक्सीजन ले लिए अब देखो यहाँ पर रेशो क्या हो गया एक अनुपात एक जितना हाइड्रोजन था उतना ही ऑक्सीजन ले लिया अरे भैया ये क्या कर दिया? आपको इसी अनुपात में मिलाना है तभी पानी बनेगा अनुपात मत बिगाड़ो और यहाँ पर ये यह क्या बन चुका है हाइड्रोजन हाइड्रोजन परऑक्साइड हाइड्रोजन परऑक्साइड क्या बन चुका है हाइड्रोजन परऑक्साइड बन चुका है यहाँ पर और इसका इस्तेमाल कहाँ होता है एंटीसेप्टिक में होता है जो डॉक्टर आप उंगली कट जाती है या चोट लग जाती है तो डॉक्टर एक लिक्विड डालता है आपके हाथ पे और वो लिक्विड सबसे पहले चोट साफ करने के लिए लगाया जाता है जिसमें से झाग निकलते हैं वो यही होता है पुरानी पेंटिंग साफ करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है रॉकेट में ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है और इसको पियोगे तो निपट लोगे इसको पियोगे तो ये जल ही जीवन है पर यह जीवन नहीं है जीवन छीन लेगा एक जीवन देता है और सिर्फ किसके कारण रेशो बिगड़ने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन एक है तो पानी जल ही जीवन है पर जब दोनों को दो दो अनुपात कर दिया मतलब दोनों का अनुपात सेम हो गया तो फिर क्या हो जाएगा ये जहर जैसा काम करेगा तो आप कहोगे कि यह बात तो हमें समझ में आ गई कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को मिलाने से कार्बोहाइड्रेट बनता है लेकिन लेकिन प्रॉब्लम यहां पर है कि भैया अनुपात यह होना चाहिए अनुपात यह होना चाहिए ता क्लियर है अनुपात तो यही होना चाहिए है ना चलो तो आप कहोगे कि ये होता है कार्बोहाइड्रेट अब कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट ठीक है कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट के एक ग्राम में एक ग्राम यदि आप कार्बोहाइड्रेट लेते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है चार दशमलव दो किलो कैलोरी किलो कैलोरी है ना कैलोरी आप कहोगे इतनी एनर्जी मिलती है हमें एक ग्राम लेने से एक ग्राम लेने से कितनी एनर्जी मिलती है तो आप कहोगे चार दशमलव दो किलो कैलोरी हमें मिलती है इतना क्लियर है ठीक है कोर्स की फीस नाइन 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 करवा दीजिए मैंने बोला आप नीचे जो नंबर है ना उस पर कॉल करके पूछ लीजिए एक बार ठीक है तो वहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा है ना नीचे नंबर दिए होंगे वह नंबर बोल देना एक बार जिस पर कॉल करना बोलो मैं लिख देती क्या हाँ डबल नाइन ट्रिपल सेवन टू ट्रिपल सेवन ज़्यादा नहीं होगा ये फिर टू युगांडा के नंबर तो नहीं है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस हो भैया दस नहीं है ठीक है चलो इस नंबर पे कॉल कर लो तो इस नंबर पे डिस्काउंट मिल जाएगा उनसे बात कर लेना ठीक है इसका स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है चलो चलो भैया आगे देखो ठीक है हाँ तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है एक ग्राम से कितनी कैलोरी मिलती है चार दशमलव दो किलो कैलोरी हमें मिलती है ठीक है फिर कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है तो आप कहोगे सेकेराइट 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 कार्बोहाइड्रेट की सेकेराइट कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी सबसे छोटी क्या है यूनिट है सबसे छोटी क्या है यूनिट है है ना क्या है यूनिट है ठीक है सबसे छोटी यूनिट क्या है तो ये हो जाएगी ठीक है ठीक है चलो उसके बाद देखो सेकेराइड है सेकेराइड है भैया आपकी क्या सबसे छोटी इकाई कार्बोहाइड्रेट की ठीक है आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट में आगे बात करते हैं देखो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं कितने होते हैं तीन प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं तीन प्रकार के होते हैं ठीक है होते हैं। क्या होते हैं तीन प्रकार के आपने सुना होगा आपने सुना होगा एल कीटोन किटोन और क्या सुना होगा आपने ठीक है कि वो पूछता है कि बताओ हाँ ये तो टाइप है ठीक है एक चीज सुनो आपने ये भी सुना होगा ना एल डी हाइट एल डी हाइट एक होता है किटोन ठीक है ये समूह है समूह है हाँ, क्या है समूह है तो ये जो है आपके समूह आप है? हाँ है।, है? हाँ है, है कौन सा कीटोन है हाँ कार्बोहाइड्रेट के अंदर किसके अंदर एल्टीहाइड होता है और किस में क्या होता है कीटोन होता है ठीक है तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे पर पहले हम समझते हैं कि कितने प्रकार हैं ठीक है ना कितने प्रकार हैं ठीक है चलो देखते हैं देखो कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कार्बोहाइड्रेट के प्रकार ठीक है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार चलो भैया कार्बोहाइड्रेट के प्रकार देखते हैं और यहां आप बोलोगे कि भैया यहां पर देखो सबसे पहला टाइप हो जाएगा मोनोसेकेराइड मोनो सेकेराइड मोनोसेकेराइड क्या हो जाएगा मोनोसेकेराइड दूसरा क्या है आपका दूसरा है ओलीगो ओलिगो सेकेराइड ओलिगो सेकेराइड ओलिगो सेकेराइड ठीक है दूसरा कौन सा है पॉलीगोसेकेराइड और तीसरा कौन सा है पॉली पॉलीसेकेराइड 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 ठीक है पॉलीसेकेराइड ठीक है ये क्या है आपका पॉलीसेकेराइड सेकेराइड आपको दिख रहे तीनों तीनों तीनो लिखे हुए चलो क्या लिखा है ये ओलिगो मोनो और पॉली अब आप बोलोगे कि हमने तो डाई पढ़ा था डाई कहाँ चले गया है ना डाई सेक्राइड भी तो होता है ठीक है तो ध्यान रखना कि डाई सेक्राइड इसके अंतर्गत ही आते हैं कैसे समझो ये जो हमने तीन प्रकार देखे ये किसके आधार पे देखे भैया सेकेराइड के आधार पे सेकेराइड के आधार पे है ना मतलब कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या है सेकेराइड है और उस सेकेराइड के अंदर हमने यह देखा है कि भैया जो मोनो सेकेराइड होता है मोनो मतलब छोटा छोटा सेकेराइड तो आप कहोगे ये क्या है जिसमें 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 सेकेराइड की एक इकाई जिसमें सेकेराइड की एक इकाई हो एक इकाई हो है ना या फिर आप बोल सकते हो जो जो सेकेराइड की जो जो सेकेराइड की जो सेकेराइड की एक इकाई से जो सेकेराइड की एक इकाई से मिलकर बने हैं जो सेकेराइड की एक इकाई से मिलकर बने हैं एक इकाई से मिलकर बने हैं ठीक है एक इकाई से मिलकर बने हैं वो क्या कहलाते हैं मोनोसेकेराइड और मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड और कीटोन तो वो दोनों समूह किसमें पाए जाते हैं वो मोनो में पाए जाते हैं अब आप बोलोगे ऐसे समझ नहीं आता हमें एल्डिहाइड कीटोन होता क्या है रुको जरा सबर करो पहले ये तो पढ़ो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि भैया ये कीटोन क्या चीज है ये एल्डिहाइड क्या चीज है है ना आपसे ये तो पूछ लेगा कि बताओ फ्रक्टोज क्या है आप बोलोगे हो इसमें कौन सी बड़ी बात है मोनोसेकर है आगे पूछो भैया वो ये पूछना चाह रहा है कि फ्रक्टोज में कौन सा समूह है एल डी कि की किटोन है ये बताओ ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ठीक है तो वो भी समझेंगे अपन ठीक है चलो तो आप कहोगे कि जो एक इकाई से मिलके बने हैं वो मोनोसेकेराइड कहलाते हैं अब देखो ओलिगो मतलब क्या जो 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 सेकेराइड जो सेकेराइड की दो से जो सेकेराइड की दो से नौ इकाई सेकेराइड कितने सेकोराइड चाहिए हमें दो से नौ तक मतलब या तो दो सेकोराइड हो तीन हो चार हो पांच हो ऐसा नो तक हो. है ना, नो जुड़के, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो ओलिगो होता है वो क्या होता है ओलिगो होता है तो आप कहोगे जो सेकेराइड दो से नौ इकाइयों से मिलकर मिलकर बने होते हैं मिलकर बने होते हैं है ना मिलकर बने होते हैं ठीक है मिलकर बने होते हैं उन्हें कहते हैं उसके बाद देखो आगे ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत ही आपने सुना होगा एग्जाम्पल डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये सुना होगा डाइसेकेराइड, ठीक है इड क्या होते हैं जो जो सेकेराइड की जो सैकेराइड की दस से दस या दस या दस से अधिक अब नंबर नहीं पता कितना भी हो सकता है दस से अधिक इकाई से दस से अधिक इकाई से मिलकर बनते हैं मिलकर बने होते हैं ठीक है वो क्या कहलाते हैं पॉलीसेकेराइड और पॉली का मतलब क्या होता है पॉली का मतलब होता है बहुत सारा बहुत सारा ये मतलब होता है पॉली मतलब होता है बहुत सारा ठीक है ना हाँ दस से ऊपर की सब किस्में आएगी पॉलीसेकेराइड में ठीक है और ध्यान रखना कि पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार के होते हैं पोली सेकेराइड पॉलीसेकेराइड कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं यह भी कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं ठीक है दो प्रकार के कौन से तो आप कहोगे एक होता है भैया कौन सा एक होता है इसका संरचनात्मक संरचनात्मक ठीक है जो क्या बनाते हैं संरचना बनाते हैं किसी चीज का किसी चीज की क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या बनाते हैं किसी चीज का स्ट्रक्चर बनाते हैं क्या बनाते हैं स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक होते हैं भंडारित भंडारित क्या होंगे आप कहोगे स्टोर क्या होंगे स्टोर रूप में पाए जाएंगे जो कहीं पर क्या होंगे भंडार के रूप में होंगे पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार के दिखते हैं हमें एक तो क्या होता है एक जो किसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं और एक जो क्या होते हैं भंडारित होते हैं जो कहीं पे स्टोर है ठीक है अब आप बोलोगे क्या है ये सब चीजें भैया एक एक करके पढ़ेंगे है ना तो मोनोसेकेराइड के बारे में फिर ओलिगो पढ़ेंगे फिर पॉली पढ़ेंगे ट्रायोस पढ़ेंगे राइबोस पढ़ेंगे ठीक है बहुत सारी चीजें हैं हेग्जोस शुगर कैसे बोलते हैं पेंटोज़ शुगर आखिर कैसे बोलते हैं इनके स्ट्रक्चर कैसे हैं दिखते कैसे हैं बनते कैसे हैं डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी होती है ठीक है डीएनए आर एन शुगर में क्या फर्क है ये सभी हमें कार्बोहाइड्रेट में पढ़ने को मिलेगा ठीक है ठीक है चलो भैया तो पांच बच चुकी है और हमारा समय समाप्त हो चुका है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो पढ़ते रहो मिलते हैं फिर कल इसी समय पे जय हिंद जय भारत